दोस्तों अभी मैं YouTube पे देख रहा हूँ कि माइक्रोनिस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं क्या आपको स्टार्ट करनी चाहिए मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ डेफ़िनेटली आपको माइक्रोनिस जरूर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि माइक्रोनिस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पैसे कमाने का अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और माइक्रोनिस के ऊपर साइट नहीं बनाए हो तो ज़रूर आपको बनाना चाहिए लेकिन उससे पहले कीवर्ड रिसर्च करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप माइक्रोनिस को सफल बनाना चाहते हो माइक्रोनीस के ऊपर लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करना बता दिया बट कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग माइक्रोनीस साइट सो देखिए क्या करना है आपको नंबर वन सबसे पहले अगर आप हिंदी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है आप माइक्रोनिस हिंदी में मत स्टार्ट करना क्योंकि जब भी आप हिंदी में माइक्रोनिस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली बात आएगी कि अर्निंग करने का जो जरिया है वो क्या आपका होगा मैक्सिमम जो माइक्रोनिस होते हैं वो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग या गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं बट अगर आप हिंदी में कंटेंट लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है एडसेंस पे आपको C.P.C अच्छी मिलेगी नहीं और माइक्रोनिस पे जो टॉपिक होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं तो आपको बहुत ही बड़े अमाउंट में ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम में आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे जिस पे आप काम करोगे कंटेंट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है साइट पे एक बार आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया पूरा कंटेंट वगैरह लिख दिया उसके बाद वो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देती रहती है तो ये नॉट फॉर हिंदी कॉन्टेंट ये हिंदी कॉन्टेंट के लिए नहीं है आप यहाँ पर कोशिश करना कि आप इंग्लिश या और किसी अदर पॉपुलर लैंग्वेज में स्टार्ट करना जिसमें आपको सी अच्छा मिले पॉइंट नंबर दो अगर आप माइक्रोनिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्री जो सेलेक्ट करनी है जो आपको काफ़ी हाई सी प्रोवाइड करे अगर आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सी ऐसी कंट्री है जिस पे गूगल एडसेंस जो उस लैंग्वेज में अगर आप ब्लॉगिंग करते हो यानी कि माइक्रोनिस बनाते हो तो वो जो है गूगल एडसेंस उस पर अप्रूवल देता है और आपको काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा सी सी देखने को मिलेगी तो आपको क्या करना है कंट्री को जरूर ध्यान में रखना है कि आप किस कंट्री के लिए ब्लॉगिंग करोगे और जो है यहाँ पे उसका लैंग्वेज क्या होगा यानी कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में अपने माइक्रो पे कंटेंट डालोगे ये आपको ध्यान रखना है नंबर तीन पॉइंट है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है होस्टिंग पर देखिए अगर आप माइक्रो माइक्रोनिस साइट बना रहे हो तो आपको मल्टीपल माइक्रो माइक्रोनिस साइट बनाना पड़ता है इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसी होस्टिंग चाहिए जो बहुत सारे वेबसाइट को लॉन्च करने का सिस्टम आपको प्रोवाइड करे ऐसे में आप क्या कर सकते हो आप जा सकते हो होस्टिंगर के साथ होस्टिंगर में क्या है कि आप हंड्रेड वेबसाइट रन कर सकते हो साथ ही साथ आपको फ्री डोमेन मिल जाता है और यहाँ पे जितने भी आप वेबसाइट लॉन्च करोगे उसमें आपको फ्री एस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है फ्री में तो देखिए होस्टिंगर वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे होस्टिंग है अभी के टाइम पे अगर आप माइक्रोनीसी स्टार्ट करना चाहते हो तो होस्टिंगर के साथ जाना क्योंकि होस्टिंगर एक तो एफोर्डेबल है आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं एस स्टोरेज मिलता है आप यहाँ पे प्रोफेशनल ई भी क्रिएट कर सकते हो उसके साथ तो आई विल आई विल रिकमेंड कि आप होस्टिंगर के साथ जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाई कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके के बाई करना और कूपन कोड नीरज आदव इस्तेमाल कर लोगे तो आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाई करते हो तो हमारे टीम द्वारा आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको माइक्रोनिस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी आपको ज्यादा पैसा होस्टिंग पर नहीं खर्च करना है दैट्स वाई मैं यहाँ पे रिकमेंड किया हूँ होस्टिंगर को ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है साइट बनाने जा रहे हो तो आपको मल्टीपल माइक्रोनिस बनाना है क्योंकि एक माइक्रोनिस साइट आप बना रहे हो तो उस पर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं अर्न कर सकते हो आप बहुत ही मतलब लिमिटेड अमाउंट में ट्रैफिक गेन करोगे और उस लिमिटेड ट्रैफिक में ही अच्छी सी की वजह से आपको कुछ पैसा मिलेगा अर्निंग होगी बट आपको माइक्रोनिस से बहुत सारे माइक्रोनिस साइट बनानी होंगी माइक्रोनिस से रिलेटेड जैसे कि अगर आप दस माइक्रोनिस साइट बना रहे हो तो अगर दो दो सौ डॉलर हर महीने एक माइक्रोनिस साइट से अगर आप अर्न कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप दो हज़ार डॉलर ईजिली यहाँ पे हर महीने बना पाओगे सो so, इसलिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको मल्टीपल माइक्रोनिससेस बनाने हैं और हो सकता है कि कुछ माइक्रोनिस आपके चले कुछ ना चले तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कीवर्ड रिसर्च करते हो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि माइक्रोनिस के ऊपर डिटेल कीवर्ड रिसर्च करके बताओ और कैसे यहाँ पे आपको चूज करना चाहिए जो भी निस है वो कैसे चूज करना चाहिए माइक्रोनिस के लिए सो मैं वीडियो जरूर क्रिएट करूंगा तो कॉमेंट कर देना और अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट है हमारा फोकस ऑन योर एडसेंस सी पी देखिए बाहर की कंट्री के लिए भी अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो माइक्रोनिस्सी स्टार्ट कर रहे हो तो भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस पर आपको अच्छी सी ना मिले बेसिकली किसी भी कंट्री को अगर आप टारगेट कर रहे हो सी सी के लिए तो आपको क्या करना है आपको कन्वर्जन कर लेना है इंडिया का प्राइस आपको देखना है और देखना है कि अगर इंडिया का एक रुपया है यहाँ पे तो उस कंट्री का इंडिया का एक रुपये का कितना हो रहा है ठीक है तो आपको ये देखना है अगर आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारा डॉलर ही है तो एक डॉलर हम सर्च करते हैं तो हमें लगभग लगभग सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन या एट्टी रुपीज़ तक मिल जाता है डॉलर में तो यही आपको देखना है कि आपको यहाँ पे उस देश की करेंसी पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं ये आपको ध्यान दे रहे हैं तो इस हिसाब से आप अगर वो पैसा ज़्यादा है तो सी सी भी आपको अच्छी मिलेगी तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से और माइक्रोनिस साइट आप ज़रूर डेफिनेटली स्टार्ट करो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ मिलता है और रैंकिंग वगैरह इजीली मिल जाता है सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करना अगर आपको माइक्रोनिस के ऊपर एक डिटेल कीवर्ड रिसर्च वीडियो चाहिए धन्यवाद